क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार हमारे जो दो प्रकार के थे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो हमने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए किया था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि जो पी ए है वो एक्स ए के समानुपाती होता है। पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए आ जाता है, और पी बी जो होता है वो एक्स बी के समानुपाती होता है। तो पी बी बराबर क्या आ जाता है, पी बी नोट एक्स बी आ जाता है। और फिर हमने क्या किया था, पी जो टोटल है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर लिया था, तो पी टोटल पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। इस इक्वेशन को हमने इससे पहले कर लिया था, इससे आगे भी किया था, वो किसके लिए थी, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, वो हमने कर लिए। लेकिन इस इक्वेशन की यहाँ पर भी इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे के अंदर, इसलिए हमने ये कर लिया। अब देखिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, जो विलय है वो हमारा क्या है, अवाष्पशील है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, विलय और विलायक दो अवयव लिए थे। क्या लिया था, विलय और विलायक दो अवयव लिए थे, और जो विलय था वो क्या था हमारा, विलायक जो है उसको तो ए अवयव माना था, विलायक प्लस विलय ये लिया था हमने। तो विलायक को तो ए अवयव मान रहे हैं, और जो विलय है उसको क्या मान रहे हैं, बी अवयव मान रहे हैं। तो विलय के लिए पी ए आंशिक दाब था, और इसके लिए क्या था, पी बी आंशिक दाब था। तो यहाँ पर अवाष्पशील विलय है, इसीलिए जो विलय है उसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। आंशिक दाब जो है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल दाब के बराबर किसका दाब हो जाएगा, विलय का आंशिक दाब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, P बराबर पी ए प्लस पी बी, तो हमने विलय का आंशिक दाब क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो हमारी जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हम P बराबर, हम क्या ले रहे हैं, P बराबर पी ए प्लस पी बी ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो B है उसको नगण्य मान लिया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, P बराबर पी ए, यानी कि विलयन का कुल दाब जो होता है वो विलय के आंशिक दाब के बराबर होता है। विलय के लिए A लिया है तो A विलायक है, इसलिए A के आंशिक दाब के बराबर होता है। तो पी ए बराबर क्या होता है, ये मान रख देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए एक्स ए ये हो जाएगा। हमने क्या किया था, मोल बिंदी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है। तो एक्स ए का मान ज्ञात करेंगे तो वन माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो पी बराबर पी ए नोट एक्स ए था, तो पी ए नोट और यहाँ पे वन माइनस एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ में माइनस और फिर इसकी करेंगे, तो पी ए नोट एक्स बी ये आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, हमने क्या किया, अवाष्पशील विलय लिया है तो विलय का आंशिक दाब जो होगा वो तो नगण्य हो जाएगा, और विलय का आंशिक दाब को लेंगे, और विलय का आंशिक दाब क्या है, पी ए, तो वो टोटल दाब के बराबर हो जाएगा पी ए का मान, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पी ए नोट ये तो आई और ये इधर आ जाएगा पी। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स बी यहाँ रख ले, और पी ए नोट माइनस पी और ये क्या जाए, पी ए नोट ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो पी नोट माइनस पी हमने क्या किया था, वाष्प दाब में अमनमन किया था, क्या किया था,
वाष्प दाब में अमन मन, ठीक है। ए के लिए तो ए लग जाएगा, बी के लिए होता है तो बी लग जाता है, और अगर इसको हम पी ए नोट माइनस पी बटा में पी ए नोट बोलेंगे तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन, क्या हो जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अमन मन होता है वो मोल बिन के बराबर होता है, या वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन जो होता है वो विलायक की मोल बिन के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा? मोल बिन के, विलय की मोल बिन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? विलय की मोल बिन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दूसरा है राउल्ट का अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम है उसकी इक्वेशन ये प्राप्त हो गई, और जो वाष्पशील था उसकी हमने पहले कर ली। तो इस तरीके से ये राउल्ट का जो नियम होता है वो दो प्रकार से लागू होता है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार अगर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की जो मोल बिन होती है, विलय की जो मोल बिन होती है वो किसके बराबर होती है? वाष्प दाब के अपेक्षिक अमन मन के बराबर होती है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अमन मन के बराबर होती है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अमन मन के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे टोटल ये था, तो बी को नगण्य मान लिया, विलय के आंशिक दाब को नगण्य मान लिया, तो विलय के आंशिक दाब के बराबर होगा। इसको हल करेंगे तो ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन जो है वो मोल बिन के बराबर हो जाएगी। राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। दूसरा क्या होता है? अनादर्श विलयन। क्या होता है? अनादर्श विलयन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन की। अब देखिए आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो विलयन कौन से होते हैं? आदर्श विलयन। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए बराबर क्या था? पी ए नोट एक्स ए, ठीक है। पी बी नोट क्या था? पी बी बराबर क्या था? पी बी नोट एक्स बी था, और पी टोटल था पी ए प्लस पी बी के, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अगर ये इक्वेशन प्राप्त होती है तो वो क्या करता है? राउल्ट के नियम के अनुसार पहली शर्त को पूरा करता है। कहने का मतलब वाष्प दाब यानी कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है या कुल दाब जो है वो क्या होता है? दोनों विलयनों के बराबर होता है, दोनों जो विलय और विलायक दो व्यवलीय हैं उन दोनों के बराबर होता है, तो वो विलयन कौन सा होता है? आदर्श विलयन होता है। दूसरी बात, ए प्लस बी दो व्यव हैं, उन दोनों व्यवों को मिलाएंगे और उनका जो आयतन होगा वो डेल्टा मैक्सिमम के बराबर होगा, या फिर अपने कह सकते हैं कि आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। तो कहने का मतलब डेल्टा बी बराबर क्या होगा? ए का आयतन प्लस बी का आयतन, ए का आयतन प्लस बी का आयतन। यानी हमने क्या किया, इसको 20 ml प्लस इसको 60 ml ले लिया, टोटल क्या है? 80 ml। अगर यहाँ भी 80 ml प्राप्त होता है तो आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए डेल्टा बी मैक्सिमम बराबर क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं। तो वो विलयन कौन सा हो जाएगा? आदर्श विलयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आदर्श विलयन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एंथैल्पी परिवर्तन। क्या लेते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा एच से शो किया जाता है। किस से शो किया जाता है? डेल्टा एच से। डेल्टा एच मैक्सिमम भी क्या हो? शून्य हो, तो वो विलयन कौन सा होगा? आदर्श विलयन होगा। वो विलयन कौन सा हो जाएगा? आदर्श विलयन हो जाएगा, क्योंकि ये न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और न ही
न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, इसलिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या आता है, शून्य आता है। चौथा पॉइंट, ए बी के बीच का संसंजक बल बराबर हो जाएगा ए ए व बी बी के संसंजक बल के, यानी कि दोनों का जो संसंजक बल है वो बराबर लगेगा, तो इसलिए वो विलयन कौन सा हो जाएगा, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन में सभी ताप सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा, तो वो विलयन आदर्श विलयन हो जाएगा। इसकी चार शर्तें, पहली टोटल दाब ए व बी अवयव के बराबर होगा, दूसरी शर्त ए और बी का जो आयतन है वो डेल्टा बी के बराबर होगा, यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य होगा, डेल्टा मैक्सिमम शून्य हो जाएगा। तीसरी शर्त, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच भी क्या होगा, शून्य होगा, न तो ऊर्जा का अवशोषण होगा न ही उत्सर्जन होगा, इसीलिए ये भी राउल्ट नियम के अनुसार आदर्श को फॉलो करता है। और ए और बी का संसंजक बल ए और बी बी के संसंजक बल के बराबर होता है, तो वो विलयन कौन सा होता है, आदर्श विलयन होता है। वो विलयन कौन सा होता है, आदर्श विलयन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आदर्श विलयन के उदाहरण। तो CH3OH को बोला जाता है एक कार्बन OH लगा हुआ है, मेथेन प्लस ओल मेथेनोल प्लस C2H5OH एथ प्लस एन प्लस ओल एथेनोल। मेथेनोल और एथेनोल का अगर विलयन बनाओगे तो वो आदर्श विलयन होगा, सभी ताप सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। या फिर एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का अगर विलयन बनाओगे तो वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, वो भी क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो विलयन कौन सा होता है, आदर्श विलयन। उसके बाद में इसका दूसरा जो टाइप है वो है अनादर्श विलयन। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।